नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। गांव गांव डगर डगर प्रधान पद रहमाऊ ग्राम प्रधान पद पे श्रीमती सभा बेगम निर्वाचित हुई हैं, जिनके ऊपर तृतीय पूर्व जाति प्रमाण पत्र का आरोप लगा है। और जिले में इस समय यह चर्चा का विषय है, तमाम अखबारों में इसके संबंध में खबरें प्रकाशित हो रही हैं। इस संबंध में प्रधानपति रिजवान अहमद का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इस बात की है कि हमारे प्रमाण पत्र सही हैं, हमको शासन द्वारा मिले हैं उन्नाव से, डिस्ट्रिक्ट से और अपने डिस्ट्रिक्ट से और अपनी तहसील से प्रमाण पत्र हमारे सही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा प्रमाण पत्र निरस्त किया गया और जो प्रमाण पत्र है हमारे वो जाली। हमको खुद डीएम साहब जवाब दें, डीएम साहब की ये प्रमाण पत्र जाली है, ये उनके यहाँ से मतलब जारी नहीं हुआ या तहसीलदार की उस पर दस्तखत नहीं है, तब हम उसको जो है जाली मानेंगे। नहीं, प्रमाण पत्र पे तो तहसीलदार के दस्तखत होते हैं। हाँ, तो लेकिन कैसे प्रशासन कह रहा है कि आपने जात गलत दिखाई? नहीं, प्रशासन जो कह रहा वो गलत कह रहा है। जन प्रशासन जो है वो उन्नाव की रिपोर्ट पर कह रहा है, जिन्होंने उस पर आगे खान जोड़ लिया। अच्छा, उन्नाव की रिपोर्ट। हाँ, उन्नाव की रिपोर्ट जहाँ के तहसीलदार ने मतलब खान जोड़ दिया नाम के साथ में कि ये फला नाम के खान जात में आते हैं, वो उन्होंने गलत किया, जिसका केस हमने हाईकोर्ट में कर दिया। प्रधानों में आपने किया? हाँ, उन्नाव हाईकोर्ट में भी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी चल रहा है। इसका मतलब ये आरोप गलत है आपका? हाँ, बिल्कुल गलत है। वो पिछड़ी जाति से आते हैं? हाँ, वो पिछड़ी जाते हैं। अब वो हमको माने राजनीतिक के हिसाब से या राजनीतिक दुश्मनी या किसी के मतलब कहने से न माना जाए वो बात अलग है, लेकिन जो चीज़ वो है वो बात है, सही है जो वो सही है, जिस पे हम शासन का सहारा ले रहे हैं। हमारी रीडें जो हैं वो हाईकोर्ट की डबल बेंच और सिंगल बेंच पर भी चल रही हैं, यही मुद्दा लेके हम उन्नाव के भी मतलब उस पर चल रही हैं। उन्नाव के मतलब डिस्ट्रिक्ट की जो अपील है वो भी जो है हाईकोर्ट में चल रही है, जिस पर तहसीलदार सस्पेंड होकर रिवर्ड हो चुकी है। अच्छा, इस मामले में तहसीलदार सस्पेंड भी हो चुके हैं? सस्पेंड होकर रिवर्ड भी हो चुके हैं कि गलत न्यूज़ बाराबंकी को क्यों दी रिपोर्ट क्यों। अच्छा, उन्नाव के तहसीलदार, किस तहसील के तहसीलदार? जहाँ की उन्नाव सदर के, सदर उन्नाव। हाँ, सदर उन्नाव के सस्पेंड रिवर्ड हुए हैं, जो गलत रिपोर्टिंग दे दी है डीएम बाराबंकी को। हाँ, अब दोबारा वहाँ केस हाईकोर्ट में इसी बात का चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो इस पे तो कई अफसरों पे, प्रशासनिक अधिकारियों पे गाज गिर सकती है इस मामले। अब वो गाज का हमको तो नहीं मालूम कि गाज किस पर गिरेगी किस पर नहीं गिरेगी भाई, लेकिन ये चीज़ है हमारे जो चीज़ है वो सही है, वो चीज़ का हम जवाब चाहिए। इस मामले में आपका पास समय से पहले छीन लिया गया? हाँ, वो तो हमने अपनी मर्जी से छोड़ा, मर्जी से आपने छोड़ा। हाँ, वो हमने एडीएम साहब को जवाब दे दिया था कि इतना हम नहीं इस लॉकडाउन के अंदर और कोरोना के अंदर दौड़ पाएंगे, आपको जो भी जजमेंट करना है वो आप जजमेंट करके हमारा हाईकोर्ट दे दीजिए, बस अब 20 दिन हमारे कार्यकाल के बाकी रह गए हैं, यानी प्रधानी का टाइम बाकी है, तो हमको इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि 20 दिन पहले शून्य कर दिया गया। पर लेकिन प्रशासन ने गलत किया? प्रशासन ने बिल्कुल 100% गलत किया। प्रशासन ने ही हमको दोनों प्रमाण पत्र दिए, सारी जांच भी प्रशासन ने कराई, चुनाव आयोग ने ओके किया, चुनाव आयोग ने निशान दिया, तब कहाँ से जो है कौन मामला जो है वो गलत है, इसका जवाब हमको चाहिए। और ये प्रेस वाले या अखबार वाले अगर जो गलत न्यूज निकाल रहे हैं तो ये उसके भोगी होंगे जो गलत निकाल रहे हैं बगैर जजमेंट पढ़े हुए।